हाँ जी मैं मित्रों की हाल चाल वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मशीनरी महकमा। अज का व्लॉग होने लगे अपना जॉन डियर के 5210 4x4 ट्रैक्टर के उपर, जो कि मार्केट का मोस्ट डिमांडिंग ट्रैक्टर कह सकते हो तुम इस टाइम पर। अगर गल करिए आप इस ट्रैक्टर की फ्रंट प्रोफाइल की, तो सिंपल हैलोजन हैडलैम्प का सैटअप देखने को तुम्हें मिल जूगा, नाल दी नाल जॉन डियर की बैजिंग सेंटर कंसोल च तो जाली कुछ इस टाइप की मिलती है, जिदे चो कि तूड़ी वगैरह अंदर नहीं जाती तो फसदी नहीं। अगर आप गल करिए सिंगल पीस हुड की, जॉन डियर स्टार्टिंग तो ही सिंगल पीस हुड दे रही है विद हाइड्रोलिक जैक्स, इनू तुसी लॉक भी कर सकते हो जो कि काफ़ी सहूलियत प्रोवाइड करता है। अगर आप गल करिए एयर क्लीनर की, तो ये डुअल एलीमेंट विद चोकिंग सेंसर तुहानू एयर क्लीनर मिल जूगा, जो कि तुहानू इत्थे भी सेंसिंग देगा तो मीटर च भी सेंसिंग देगा, नाल दी नाल एक्साइड की बैटरी तुसी देख सकते हो। अगर आप गल करिए रेडिएटर की, तो सील्ड रेडिएटर कंपनी तुहानू प्रोवाइड कराउंदी है 50 HP दे विच, सैगमेंट दे विच काफ़ी अच्छा सैटअप तुहानू प्रोवाइड करा रही है। अगर आप गल करिए प्रोटेक्टिव जाली की, इत्थे देख सकते हो तुसी फैन ते अगर हाथ वगैरह ना लगे तो इत्थे तुसी जाली देख सकते हो। अगर आप गल करिए 2900 CC का टर्बो चार्ज इंजन ये कंपनी प्रोवाइड कराउंदी है, जो कि पहला 2400 रेटिड RPM ते मैक्सिमम पावर जनरेट करता सी, हुण 2100 MM RPM ते आपकी मैक्सिमम पावर जनरेट करके तुहानू दिंदा। टर्बो की प्लेसमेंट तुसी देख सकते हो, नाल दी नाल ही डीजल फिल्टर की प्लेसमेंट तुसी देख सकते हो। पंप अगर थोड़े ट्रैक्टर च डीजल वगैरह घट है, इतों पंप वगैरह करके तुसी उन्हों ओके कर सकते होंगे। नाल दी नाल ही बोस का इनलाइन पंप तुहानू इत्थे देखण नू मिल जूगा, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है देख सकते हो तुसी, मतलब सैगमेंट के 50 HP के हिसाब नाल काफ़ी अच्छी तुहानू ऑफर दे रही है कंपनी। अगर आप गल कर लें इत्थे बैजिंग दी, तो इत्थे तुसी वीडियो पॉज करके तो ये बैजिंग तुसी इहदी पढ़ सकते हो, जो कि अगर आप गल करिए फ्रंट एक्सल दी प्लैनेटरी गेयर ड्राइव एक्सल इहदे च मिल जांदा, जो कि अगला हिस्सा तो पिछला हिस्सा इहदा प्लैनेटरी गेयर ड्राइव है, जो कि जॉन डियर स्टार्टिंग तो ही दे रही है। डबल हाइड्रोलिक जैक दा इहदे च यूज़ किया गया, कल्ला बंदा भी इहनू आराम नाल ओपरेट कर सकता। अगर आप दूसरी साइड की गल कर लें इहदी, तां वाटर सपरेटर की प्लेसमेंट तुहानू देखण नू मिल जूगी, नाल दी नाल अल्टीनेटर बहुत छोटा करता तो काफ़ी सुधार किया अल्टीनेटर दे विच, अपना हाइड्रोलिक दा ते पावर स्टेयरिंग दा तेल देख सकते हो तुसी, इहदे सारा तेल इक्को ही है। नाल दी नाल ही गल कर लें इहदे लिफ्ट फिल्टर बारे, लिफ्ट दा फिल्टर की प्लेसमेंट तुसी देख सकते हो, इहदे विच थोनू जो ब्रेक है ये सस्पेंडेड टाइप ब्रेक मिल जाएंगे, तो पावर ब्रेक मिलते हैं। पावर मैं क्यों कहा, क्योंकि आम ब्रेकों च देख सकते हो तुसी इत्थे रोड जाती होंगी है, पर इत्थे एक पाइप जा रही है जो कि इतों पावर जनरेट करके ब्रेक अप्लाई कर सकते हो तुसी, तां इहदे पावर ब्रेक मैं कहा तेल च डुबे हुए ब्रेक है। इहदे गेयर प्रो 4-wheel drive मॉडल तुसी देख रहे हो, डीजल अपना मुगलैल फिल्टर की प्लेसमेंट इत्थे देख सकते हो तुसी, नाल दी नाल ही अगर जे आपां गल करिए इहदे फ्रंट चूल्हे की, काफ़ी हैवी चूल्हा तुहानू कंपनी प्रोवाइड करा के दिंदी है देख सकते हो, पिछे तक इहदी प्लेसमेंट है। 2100 rated RPM इहदा इंजन है, जो कि कंपनी ने सुधार करके हुण 2100 rated RPM करता, पहला 2400 rated RPM इहनू कंपनी दे रही सी। अगर आप गल कर लिए टायर प्रोफाइल की, तो ये थानू 9/5/24 के अगले टायर तो पिछले टायर ये 16/9/28 के पिछले टायर देखने मिल जाएंगे, 50 HP च, मतलब देख सकते हो तुसी 57 HP च भी थानू 16/9/28 के टायर मिल रहे हैं, तो 50 HP च भी 53/10 च सेम ही सैगमेंट, मतलब टायरों की सैगमेंट सेम हो जाती है, HP काफ़ी वध जाती है। अगर आप गल कर लिए पायदान की, इस टाइप का पायदान देखने मिल जूगा, नाल दी नाल हीट गार्ड इत्थे दिते गए हैं, जो कि इहनू फड़ के तुसी ट्रैक्टर के उपर चढ़ सकते होंगे। अगर गल करिए आप टॉप मॉडल ट्रैक्टर है,
क्योंकि सीट के नाल आर्मरैसट की प्लेसमेंट तुसी देख सकते हो, नाल दी नाल एडजस्टेबल सीट तुहानू दित्ती गई है जिन्हों तुसी अगे पिछे वगैरह कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, तुसी थकते नहीं गे। ये 68 लीटर का डीजल टैंक तुहानू दिता गया। अगर आप गल कर लीए तो काफ़ी मजबूत ये मडगार्ड देखने को तुहानू मिल जाएंगे। सिंपल हैलोजन इंडीकेटर वगैरह ये यूज़ किए गए हैं। नाल दी नाल ही ब्रेकां दा मैं तुहानू दस ही चुका, सस्पेंडेड टाइप ब्रेकां मिल जांदियां जो कि अगर तुसी हाथ नाल भी प्रेस करो तां भी ऑपरेट इन्नियां मतलब कि कंफर्टेबल ब्रेकां ने इहदियां। अगर आपां गल करिए पैर दी रेस दी तां पैर दी रेस देखण नू तुहानू इत्थे मिल जूगी और हाथ दी रेस तुहानू इत्थे देखण नू मिल जूगी। अगर आपां गल करिए लाइट दे कंट्रोल दी तां इत्थों इहदे हैडलाइट कंट्रोल हो सकदे आ, इत्थों इहदा होर्न वगैरह कंट्रोल हो सकदा। नाल दी नाल ही इहदे च 12 वोल्ट दा इत्थे चार्जर दिता गया तुहानू जिहदे नाल तुसी आपदा मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। हजार्ड लाइट दे ऑप्शन इत्थे दिते गए आ। अगर धुंद वगैरह जां रात नू तुसी काम कर रहे हो इत्थों तुसी हजार्ड लाइट ऑन कर सकते हो। इहदी देख सकते हो क्लासिकल प्लस डिजिटल मीटर तुहानू कंपनी ऑफर करदी आ। जैसा कि मैं तुहानू दस ही चुके हैं कि यह टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल का पता थोनों कितों लगेगा। आर्मरैसट होंगे सीट के नाल ते नाल दी नाल या लिफ्ट के कंट्रोल थोनों इत्थे देखने मिल जाएंगे। अगर गल करिए आपां स्टेयरिंग थोनू टिल्ट करके तुसी इनू एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब नाल, जो ड्राइवर नू काफ़ी अच्छी सहूलत प्रोवाइड करता। 3 स्कोप स्टेयरिंग जॉन डियर इहदे च दे रही है। नाल दी नाल ही अगर गल कर लिए 12+4 का गेयरबॉक्स सैटअप दिता गया। नाल दी नाल पार्किंग का भी ऑप्शन दिता गया। अगर तुसी आपदा ट्रैक्टर कितने खड़ा कर रहे हो उन्हूं पार्किंग च ला के तुसी निश्चिंत होकर जा सकते हो क्योंकि रुड़ूगा नहीं हो किसी भी ढलान वगैरह तो। ABCD गेयरबॉक्स का ऑप्शन देखने को तुहानू इधर मिल जूगा। नाल दी नाल ही अगर PTO की आप गल कर लिए PTO तुहानू 540 ते 540 इकोनॉमी मिल जाती है। 540 इकोनॉमी का की मतलब है कि ओही सेम 1600 चक्कर ते तुहानू जो 2100 चक्कर ते तुहानू प्रोवाइड करती है पावर ओही 1600 चक्कर ते प्रोवाइड करा दिंदी है तुहानू पावर। 4x4 अंगेज डिसंगेज का इतों ऑप्शन देख सकते हो तुसी। नाल दी नाल PTO क्लच का ऑप्शन देख सकते हो। अगर आप गल करिए PTO की तो इनू किसी भी गेयर तुसी यूज़ कर सकते हो। ट्रैक्टर की प्लेटफॉर्म की गल नाल दी नाल ही इत्थे तुसी बोटल होल्डर दा देख सकते हो, इत्थे बोटल होल्डर रख सकते हो। तुसी आपदा पोजीशन लीवर ड्राफ्ट लीवर दी प्लेसमेंट तुसी देख सकते हो। नाल दी नाल ही आपां गल करिए लिफ्ट इत्थों तुसी ऑपरेट कर सकते हो। अगर तुसी सिंगल बंदा काम कर रहे हो तो सीट ते बैठे बैठे तुसी इत्थों लिफ्ट ऑपरेट कर सकते होगे। नाल दी नाल ही इस टाइप दा तुहानू इहदे च थोड़ा जिहा बंप वाला कंपनी ऑफर कर रही हैगी प्लेटफॉर्म, जो काफ़ी अच्छी गल है। अगर फ्लैट होंदा तां ज़्यादा अच्छी गल सी, पर थोड़ा ही बंप है, कोई ज़्यादा बंप नहीं है। अगर आप गल कर लिए सीट की एडजस्टमेंट की तुसी इत्थों कर सकते होंगे। अगर आप गल करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इंजन स्पेसिफिकेशन यदी हो चुकी है कवर। नाल दी नाल आप गल कर लें यदि लिफ्ट की तो लिफ्ट कंपनी तुहानू 42.8 HP की ये लिफ्ट दिंदी है। नाल दी नाल ही रिवर्स PTO का भी ऑप्शन तुहानू मिल जाता। अगर इत्थे गल करते हैं आप इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्राली च वगैरह कुछ भी चलाना तुसी इत्थों इहदा कनैक्शन कर सकते होंगे। अगर डबल ऑक्सिलरी वाल की गल कर लैने डबल ऑक्सिलरी वाल कंपनी इत्थे ला के दिंदी है तुहानू, जो तुसी बाद च 4 या 6 का भी इहदे च किट लगवा सकते होंगे। नाल दी नाल ही इत्थों तुसी लिफ्ट अगर कल्ला बंदा काम कर रहे हैं तो इत्थों लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हो, जो कि टॉप मॉडल च ही देखने को तुहानू मिलेगी। इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम कह देंदे आ इहनू। इहदी लिफ्ट कपैसिटी 2000 किलोग्राम की दिती गई है कंपनी वालों, जो सैगमेंट के 50 HP के हिसाब नाल काफ़ी अच्छी गल है। प्लैनेटरी गेयर ड्राइव पिछला हिस्सा तो अगला हिस्सा दिता गया। ये हूँ प्लैनेटरी गेयर ड्राइव की थोनू मिल जाता, जिन्हें भीर नहीं पता दसदा जिमें गेयर है, गेयर ये इन्ने ज़्यादा मतलब एक दे उत्ते एक प्लेसमेंट की गई है 3 गेयर की, ताकि यदि पिन वगैरह ना टुट सके, ज़्यादा तो ज़्यादा लोड यह लै सके, हैवी काम करन च भी
मतलब समर्थ हो सकता ट्रैक्टर। अगर तुसी गल कर लो इत्थों तुसी किसी भी अपना हुक चें दी प्लेसमेंट कर सकते हो, जो कि कोई भी हैवी तो हैवी इंप्लीमेंट लैके जाण च हैल्प करदा। नाल दी नाल ही गल कर लैने 68 लीटर का डीजल टैंक हो गया। उस तो बाद अगर गल करिए लंबे समय तक अगर रात नूं कम कर रहे हो तुसी, लाइट तुहानूं हैलोजन लाइट काफ़ी हैल्प करती है। इंडीकेटर वगैरह काफ़ी अच्छे इहदे च वाइड इंडीकेटर दिते गए आ। नाल दी नाल ही इत्थे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जूगी, इहदे च भी एक लाइट यूज़ की गई है कंपनी वल्लों तां कि थोड़ा नंबर वगैरह शो हो सके, जो काफ़ी सहूलत वाली गल है। अगर आप गल करते हैं 5210 फोर व्हील ड्राइव गेयर प्रो की, तो यह कुछ ऑप्शन कंपनी थोनू प्रोवाइड करा देंदी है। बाकी अगर आप गल कर लिए जॉन डियर के इंजना की, तो मैं थोनू 5310 भी दस्या सी कि जॉन डियर के इंजन तो कामयाब है। ये देखो वाटर सपरेटर की प्लेसमेंट भी इन्होंने की है, पर सीआरडीआई इन्होंने कोई प्लेसमेंट नहीं की, क्योंकि सीआरडीआई भाफ बनने के चांसिस बहुत ज़्यादा घट है। तो अपना सारा तेल साड़ के कढ़दा है, कोई काला धुआं नहीं मारदा, तां करके सीआरडीआई हुण कंपनी ने देना शुरू किया। पर 50 पावर का ट्रैक्टर है, 50 पावर तो घट तो कंपनी सीआरडीआई ऑफर नहीं करती, 50 पावर तो उत्ते ही कंपनी सीआरडीआई ऑफर करती है। पर इहदे च 5210 च स्पैशलिटी ये है कि कंपनी थानू टर्बो चार्ज इंजन ला के देंदी है, जो मतलब कि सेम ही अगर स्टार्ट हुंदा तो सेम ही चक्कर ते थानू मतलब कोई भी इंप्लीमेंट पा लो तुसी सेम ही इंजन दे चक्कर हुंदा, तेल घट पींदा, ये भी इहदा बेनीफिट है। नाल दी नाल देख सकते हो तुसी बोश का इहदे च इनलाइन पंप यूज़ किया, बोश का पंप आपदी सैगमेंट च मन्या गया, तो जॉन डियर ज़्यादा बोश के पंप ही यूज़ करती है। ये इहदा कंप्लीट रिव्यू, 25 ईयर इन इंडिया सैलीब्रेटिंग दी बैजिंग मिल जूगी इत्थे, जो 25 ईयर इनू कंप्लीट हो चुकी है जॉन डियर नू। ए सी 5210 अपना फोर व्हील ड्राइव गेयर प्रो दा कंप्लीट रिव्यू किवें दा लग्गिया दोस्तों। अगर इहदी प्राइस सैगमेंट दी आपां गल कर लैने आ, तो 1,70,000 तो 1,170,000 तक दा तुहानू टॉप मॉडल इहदे च देखण नू मिल जूगा। किवें दा लग्गिया व्लॉग कमेंट करके जरूर दसना। ए सी फोर व्हील ड्राइव 5210 दा कंप्लीट रिव्यू फुल स्पेसिफिकेशन कमेंट करना दोस्तों, लाइक करना, सबसक्राइब करना। थोड़ा एक एक लाइक, थोड़े एक एक व्यू, एक एक लाइक मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता। नवा चैनल है दोस्तों, राइज करना, थोड़ी हेल्प की बहुत लोड़ है। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी ब्लॉग देखने वास्ते। थैंक यू जी, धन्यवाद।